भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज रुद्रपुर पहुंचे, जहां उन्होंने आनंदम गार्डन में शक्ति केंद्र प्रभारी और संयोजकों की बैठक ली और उन्हें आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए टिप्स भी दिए। जेपी नड्डा के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भी थे। शक्ति केंद्र प्रभारियों से संवाद के दौरान जेपी नड्डा ने कहा कि भाजपा ही ऐसी पार्टी है जो कार्यकर्ताओं को पूरा सम्मान देती है। पार्टी का नारा ही संगठन से शक्ति का है। ऐसे में भाजपा मिशन 2022 में पुनः उत्तराखंड में अपना परचम लहराएगी। जेपी नड्डा रात्रि विश्राम रुद्रपुर के ही 5 सितारा होटल रेडिसन में करेंगे। कल वह कई कार्यक्रमों में हिस्सा भी लेंगे। नड्डा के कार्यक्रम को लेकर किस तरीके से कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा जा रहा है? क्योंकि जिस तरीके से आज माननीय अध्यक्ष जी जेपी नड्डा जी का जो कार्यक्रम है उसको लेकर पूरे जिले में और पूरे प्रदेश में जो उनका 2 दिन का प्रवास है उसको लेकर कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं और जन जन बूथ लेवल के कार्यकर्ता में बहुत खुशी है। क्योंकि जो हमारा जो लक्ष्य है उत्तराखंड के अंदर 60 पार का, और उसको देख के आज ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोग 60 प्लस सीटें उत्तराखंड में जीतेंगे। और एक नई ऊर्जा के साथ, नई उमंग के साथ कार्यकर्ता जुटा हुआ है। आज इसे पूरे चुनाव की एक तरह से भूगोल फूक चुका है और बहुत ही उत्साहित के साथ बूथ लेवल का शक्ति केंद्र के संयोजक, शक्ति केंद्र के प्रभारी, सभी कार्यकर्ता पूरे जिले से यहाँ पहुँचे हैं जो उनके स्वागत में लगे हुए हैं और इस कार्यक्रम को बहुत ही खूबसूरती के साथ कार्यक्रम संपन्न होने की तैयारी में लगे हुए हैं। आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहाँ पहुँच रहे हैं, किस तरीके से कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा जा रहा है? विश्व के सबसे बड़ी पार्टी के सबसे बड़े नेता आज हमारे शहर रुद्रपुर में उनका आगमन है, 2 दिवसीय कार्यक्रम है। और इस बीच भाजपा के बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं में बहुत भारी उत्साह है। आने वाले समय में निश्चित रूप से ये उत्साह पार्टी को पुनः राज्य में पुनर्स्थापित करेगा, ऐसा मेरा मानना है। देहरादून और फिर अल्मोड़ा और अब रुद्रपुर पहुँचे हैं। रुद्रपुर के अंदर उधम सिंह नगर के जो अपने कार्यकर्ता हैं उसमें अभी शक्ति केंद्र संयोजक, शक्ति केंद्र प्रभारी, मंडल अध्यक्ष, विधानसभा विस्तारक और विधानसभा प्रभारी के रूप में जो दायित्व के रूप में कार्यकर्ता हैं उनको आप माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का संबोधन अभी हो रहा है और कार्यकर्ताओं में बड़ा जोश है। हम सब कार्यकर्ताओं के लिए उनका मार्गदर्शन मिलना बड़ा ही प्रेरणादायक रहेगा और निश्चित रूप से इस प्रेरणादायक मार्गदर्शन से हमारे सभी कार्यकर्ता प्रशिक्षित और शिक्षित होकर आने वाले चुनाव के लिए अपने आप को तैयार करेंगे।